लास्ट टाइम आलिया को प्रेग्नेंट होना था, यही बात अपने भाई को बताती है तो भाई का मुंह खुला रह जाता है। इधर यिल्दिज के घर डोगन आता है और यिल्दिज एक्साइटेड होती है कि शायद डोगन अपनी बीवी की हरकत के लिए माफ़ी मांगेगा, पर वो तो इस बारे में तवज्जो ना देने का नाटक कर रहा है। यिल्दिज पूछती भी है कि तुम्हारी बीवी आदमी भेज रही है और तुम माफ़ी नहीं मांगोगे। डोगन कहता है मुझे तुम लोगों के झंझट में नहीं पड़ना। यिल्दिज आसमा से आके कहती है आजकल डोगन मुझ पे तवज्जो नहीं दे रहा। आसमा कहती है ये सही नहीं है यिल्दिज, कुछ करना होगा। इधर कोमल को सलीम कॉल नहीं करता इसलिए खुद कोमल कॉल कर लेती है और दोनों मॉर्निंग वॉक के बहाने मिलते हैं। वो कहते हैं अपनी कंपनी दिखाओ, मुझे वहाँ जाना होगा तो मिलने चला जाऊँगा। कोमल कहती है यहीं कहीं है, मैं लेकर जाऊँगी। अब फर्जी कंपनी घर वगैरह ढूंढना होगा। इधर आसमा एक बाल्टी में पानी भर के और पता नहीं क्या क्या लिक्विड डालती है, जादू टोने वाली है ना, जादू ही पानी बना रही है। आयशा से कहती है कि डोगन जब जाने लगेगा तब उस पर पूरा डाल देना। ओ माय गॉड, डोगन निकल रहा है, आयशा जा रही है उसके पीछे, लेकिन जब वो उस पर डालने ही वाली थी पानी, सादिक और आमिर बीच में आ जाते हैं, सारा पानी उन पर गिर जाता है। पता नहीं पानी में क्या था, उनकी आँखें जलती है और वो आयशा से कहते हैं क्या करती हो आप भी। डोगन ये सब देख के यिल्दिज की तरफ देखता है तो यिल्दिज भाग जाती है, शायद डोगन समझ गया था कि उस पर गिरने वाला था ये। अब आलिया को हानदान की सख्त ज़रूरत है, यिल्दिज संभल नहीं रही है उससे। हानदान तो मान नहीं रही थी क्योंकि उसने उसको घर से निकलवाया था, पर आलिया ने बस एक माफ़ी मांगी और कहा कार दिला दूंगी। हानदान सेट, उसको अपने भाई के घर शिफ्ट करना है बस, उसके बाद आलिया चाल चलेगी। आमिर और कुंवर कोमल के लिए एक रेस्टोरेंट में बात करते हुए वेट्रेस के काम के लिए, ऐसा करना है कि वो वहाँ काम करेगी और बाद में उसको रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाएगा। रेस्टोरेंट का ओनर मान जाता है। यह सब कुछ कोमल शायद इसलिए कर रही है ताकि सलीम को यह सब दिखा सके। कोमल की ऐसी हरकतें देखकर कुंवर आलिया को बताता है। आलिया एक साइकेट्रिस्ट बुलाती है कोमल के लिए, कोमल को पता भी नहीं। साइकेट्रिस्ट उसको पूछते हैं कि लाइफ कैसी है, तुम दूसरी इंसान क्यों बनना चाहती हो, गरीब इंसान क्यों बनना चाहती हो। कोमल को गड़बड़ लगती है तो डॉक्टर को बताना पड़ता है कि कुंवर को लगता है तुम डिप्रेशन के चलते एक दूसरी इंसान बनना चाहती हो, इसलिए मुझे बुलाया गया। कोमल कहती है सो स्वीट, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इनफैक्ट मैं ही ठीक हूँ। फिर उसे समझाती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। हानदान आलिया के कहने पर एंगिन के घर शिफ्ट कर गई, पर आलिया कहती है काम फिर गाड़ी, इसलिए हानदान यिल्दिज को कॉल करके कहती है कि आलिया मेरी भी दुश्मन है, एंगिन के घर आ जाओ, मैं भी हूँ वहाँ पे, गॉसिपिंग करेंगे। यिल्दिज मान भी गई। हानदान प्रेस बुलाती है ताकि खबर छपे कि यिल्दिज एंगिन के घर जा रही है। क्यों, यिल्दिज का एंगिन के घर में जाने से सुनामी क्यों आती है, वो जाती है तो सबका बीपी हाई हो जाता है। आसमा यिल्दिज से कहती है मत जाओ, मुझे धक धक हो रहा है कि कुछ गलत होगा। यिल्दिज कहती है मुझे भी लग रहा है, इसलिए तो जा रही हूँ, मुझ पे यकीन रखे। यिल्दिज के एंगिन के घर जाने से पहले आलिया का प्रेस वाला फ्रेंड कैमरा लेके खड़ा है। यिल्दिज आई और उसको देख ली, उसका पिक्चर लिया और उससे कहा कि अपने बॉस से कहना मुझे बेवकूफ़ बनाने का सपना छोड़ दे। प्रेस वाला बेचारा लानत करने लगता है। यिल्दिज के कार में जैनब छुपी थी, उठ के एंगिन के घर के अंदर जाती है। यिल्दिज गाड़ी लेके चली जाती है। हानदान सोचती है यिल्दिज आने वाली है अंदर, पर जैनब आती है, हानदान का सिड लुइफ। जैनब एंगिन को अंदर ले जाती है बात करने और हानदान से कहती है तुम्हें अभी एक कॉल आएगा। यिल्दिज कॉल करके हानदान को धमकाती है कि आलिया से मिलो या मरो, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ किया तो हाथ काट के रख दूंगी। इधर जैनब एंगिन से कहती है यिल्दिज को फंसाने के लिए आलिया और हानदान हाथ मिला चुके हैं, प्लीज़ कुछ दिनों के लिए बिल्कुल यिल्दिज से दूर रहना। एंगिन कहता है ज़रूर, बोल के जैनब का हाथ पकड़ के हानदान के पास जाता है और दोनों मिलकर हानदान को डांटते हैं। हानदान उनको साथ देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था सब नाटक है। यिल्दिज पहुँच जाती है ऑफिस, वो भी मीटिंग के बीच बम फोड़ने। आलिया की शादी डोगन से हो गई तो वो ऑफिस भी ज्वाइन कर ली। यिल्दिज कहती है आलिया तुम्हें इतना डर है कि डोगन तुम्हें छोड़ के मेरे पास आ जाएगा। ये लोग पूछते हैं क्या मतलब। यिल्दिज उस प्रेस वाले की पिक्चर दिखा के डोगन को सब बताती है कि कैसे आलिया और हानदान ने उसे फंसाने की कोशिश की। यिल्दिज डोगन को वार्न करके जाती है कि आइंदा ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी बीवी गई। यिल्दिज जाती है तो डोगन आलिया की तरफ देखता है और आलिया हमेशा की तरह डोगन की आंखों में पट्टी बढ़ा देती है। डोगन जाने के बाद आलिया हानदान से पूछती है क्या हुआ। हानदान बताती है, आलिया फिर से उसे कार की लालच दिखा के काम पे लगने कहती है तो हानदान फिर मान जाती है। इधर जैनब और एंगिन में अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं और जैनब एंगिन की बहुत तारीफ करती है कि आप में सादगी है वगैरह। क्या इन दोनों का कुछ होने वाला है, क्योंकि आजकल जैनब हमेशा कहती रहती है यिल्दिज से कि बेचारा एंगिन इन सब में पिस रहा है, सबको अजीब लगता है उसकी फिक्र देख के।
और फिर कुछ दिन पहले आलटा होने वाला था ना जैनब का, उसको एक झटके में गायब कर दिया, स्टोरी ही पलट गई। फिर तारचान, उसका क्या होगा, उसको भी हटा के सलीम को ले आए। और इधर वो वाला साइकेट्रिस्ट सलीम का दोस्त निकला, कहते हैं अभी एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद से मिलकर आ रहा हूँ, अजीब है, मैं सोचा पागल है, पर वो तो गरीब बनने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके अमीरी से लड़के उसे धोखा दे रहे हैं। सलीम कहता है तो करने दो ना नाटक। साइकेट्रिस्ट कहते हैं नहीं, मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहता हूँ। सलीम कहते हैं मैं भी रहना चाहता हूँ। ओके देन, वीडियो ख़त्म।